नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कार्टून बनाने वाले बाला साहब ठाकरे की पार्टी अब कार्टून से ही डरने लगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कल जिस नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बनाए एक कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। गौर करिए आप, सिर्फ व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। अगर आपको याद हो या आप यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए बाला साहब ठाकरे का कोई भी भाषण या कोई भी इंटरव्यू जो उन्होंने किसी भी चैनल को दिया हो, उसमें कार्टून का जिक्र जरूर होता था। और वो हमेशा ये कहते रहे थे कि कार्टून अभिव्यक्ति की वह स्वतंत्रता देता है जो ना तो शब्दों में बयां किए जा सकते थे और ना ही लिखकर बयां किए जाते थे, लेकिन पेंसिल से उकेरी गई हर एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो आखिर उद्धव ठाकरे या शिवसेना, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे की सेना को ऐसी कौन सी मुश्किल जान पड़ी कि एक बुजुर्ग नेवी ऑफिसर को उन्होंने मारा। वो भी अगर आप उस बुजुर्ग नेवी ऑफिसर को देखें जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया, अगर वो थोड़े से भी संभले नहीं होते तो उनकी जान जा सकती थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जिस कार्टून के भरोसे उद्धव ठाकरे पूरी सियासत कर रहे थे, उनके पिताजी की पूरी सियासत उसी कार्टून के करिश्माई नेतृत्व पर था, जिस कार्टून के जरिए उन्होंने उस वक्त देश के हर बड़े मुद्दे को अखबारों में उकेरा, हर एक अपनी बात, अपनी जो भी उनके अंदर भावनाएं होती थी उसी कार्टून के जरिए वो उकेरा करते थे। लेकिन देखिए आज आप, आज की डेट में यही उद्धव ठाकरे और यही शिवसेना एक कार्टून के फॉरवर्ड करने पर किस तरीके से डरने लगे। जिस फांसीबाद की बात अभी तक लोग कर रहे थे कि देश में ऐसे हो रहा है तो ये फांसीबाद, ऐसे हो रहा है तो फांसीबाद, तब आप समझिए कि महाराष्ट्र में जिस नेवी ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ, क्या ये फांसीबाद नहीं है? क्या किसी कार्टून को फॉरवर्ड करना इतना बड़ा गुनाह होता है? क्या आप व्हाट्सएप चैट पर अपनी भावनाओं को लिख दें या व्यक्त कर दें और उसे फॉरवर्ड कर दें एक दो ग्रुपों में, तो क्या आपकी जान पर बनाएगी? लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, और यही बात कंगना रनौत कह रही है। तो ऐसे में कंगना रनौत ने अगर महाराष्ट्र को पीओके, पाकिस्तान, बाबर और बाबर की सेना जो कुछ भी कहा हो, इसमें कुछ भी गलत होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब शिवसेना व्यवहार कर रही है उससे तो यही लगता है कि शिवसेना महाराष्ट्र को पीओके या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें आपके अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाए। अगर आप कुछ भी बोलें तो आप पर कार्रवाई हो, अगर सरकारी तौर पर कार्रवाई ना हो सके तो शिवसेना के गुंडे आपको जरूर मारेंगे, पीटेंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो जरा संभल जाइए, वरना क्या पता कब शिवसैनिक आपके घर आ धमके आपको डराएं, और डराने से भी आप अगर आप नहीं माने तो आपको मारे पीटे भी। अब आप सोचिए कि जो बाला साहब ठाकरे ने जिस कार्टून के जरिए अपनी पूरी राजनीति शुरू की, जिस कार्टून के भरोसे लोगों में उनकी पहचान बनी, आज वही कार्टून शिवसैनिकों के लिए मुश्किल बन पड़ी है। और इसी कार्टून पर अब शिवसैनिक रिएक्शन देने लगे हैं। जिस कार्टून पर कभी वो तालियां बजाते थे अपने नेता के लिए, आज उसी कार्टून पर अपने नेता के लिए आम जनता को मारने पर उतारू हो चले। खैर, ये महाराष्ट्र की राजनीति है। उद्धव ठाकरे इसी तरीके से शिवसैनिकों की राजनीति करवा रहे हैं या शिवसैनिक इसी तरीके से अब व्यवहार कर रहे हैं, या तो आपको तय करना है कि क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वह सही है या गलत है। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विस मैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्णव गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे, यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। घटना हुई, आप अस्पताल में फिलहाल इलाज करा रहे हैं, आप बेहतर हैं, हम इस बात की खुशी है। और क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने किया है आपके साथ ये, पुलिस से, सरकार से, या कोई जनरल अपील आप जाहिर करना चाहें अपनी तरफ से? देखिए, ये देश जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, सबके लिए बोलना, अपना विचारधारा रखने का
अनुमति है इस, और व्हाट्सएप एक शॉर्ट मीडिया है जो एक दूसरे से जुड़े रहने का माध्यम है। उससे जो न्यूज आती है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। जो मेन जो कार्टून हो या चाहे कोई मैसेज है वो कहाँ से बनता है, गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना जरूरी है। वो जो जहाँ से वो जनरेट हो रही है उस चीज़ को पकड़। उनको धमकियाँ आ रही थी, धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो वो बोल उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मैं डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। जी, ये कौन थे? शिव सेना के थे। मारने के बाद एक घंटे के बाद उन्होंने दो पुलिस वाले हमारे घर में आए और उनको बोला कि आपके पिताजी को लेके जाने का है, आपके पिताजी पर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैंने बोला कि अभी उस हालत में नहीं है वो आने के, हम लोग आ जाएंगे, कि आप जाओ हम लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो आपको लेके ही जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। वो बोले, फिर बोला कि आपका कोई मैसेज का इशू है, वो किया है हमने।